हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर बीएससी पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2021, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, पेपर सेकंड एंड पेपर नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्वेश्चन पेपर आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से संबंधित है, ओके। जिसमें टोटल क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अभी पता चल जाएगा, ओके। आप इसकी अगर PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी हुई है, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे पहले आपसे बता दूँ कि क्वेश्चन पेपर न्यू पैटर्न पर था, आगे का पैटर्न कैसे रहेगा वो आपको एग्ज़ाम से पहले इन्फॉर्म हो जाएगा। ओनली आप इसमें से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अपने देख लीजिए। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, इंस्ट्रक्शन आप जरूर रीड कीजिएगा, और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है सेक्शन ए, एंड ये क्वेश्चन है आपके, ओके। और वीडियो के चलते वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते ही रहते हैं वो भी आपको आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे कि सेक्शन बी से ये क्वेश्चन है, केमिकल शिफ्ट एंड सेल्डिंग एंड डिसल्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मेनी टाइम पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। सो इसका ये पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 3। आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन देख सकते हैं, और वैसे भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड की गई है, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। सो आप रीड कीजिएगा। हाँ, जैसे कि ये जो रिएक्शन है, ये सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अनसॉल्व उठा के देख लीजिएगा या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ज़रूर इस इन PDF इन रिएक्शनों को मतलब प्रिपेयर रखिएगा फॉर अपकमिंग एग्जाम, ठीक है। जैसे कि एल्डोज है, एंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन, सो इसे भी कंप्लीट रखिएगा। एंड कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज एंड फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बस पूछना सिर्फ क्वेश्चन यही पूछा गया, ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी से यहाँ से स्टार्ट होता है, ओके। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। एंड जैसे कि ये दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो ज़रूर इन्हें प्रिपेयर रखिएगा, लाइक दैट नेपल सेकी एंड पेथेलामाइड, ये दोनों रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, और म्यूटर रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन जो मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें ज़रूर तैयार रखिएगा, रेडी रखिएगा फॉर अपकमिंग एग्जाम। सो योर क्वेश्चन आर नॉट कम्प्लीट, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फॉर माई हेल्प, माई फॉर सपोर्ट, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कम्प्लीट वीडियो।